हाँ डीसीपी साहब, आज एक वारदात हुई है कि आनंद विहार बस अड्डे से 17 लोग बस के अंदर सवार थे। बताया जा रहा है कि 4 लोग उन्होंने उनके साथ लूटपाट की, उनका अपहरण करके शास्त्री पार्क एरिया में उनको छोड़ा, शोर मचाकर उनको गिरफ्तार किया गया। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, छोड़ा नहीं था ये। कल लगभग 12 बजे के आसपास ये बस लगी हुई थी रेलवे स्टेशन के बाहर, आनंद विहार। और ये एक ड्राइवर और 3 लड़के थे, और सबको बेला फुसला के बस में चढ़ा रहे थे। अब हम लोग जब बाद में बात कर रहे हैं यात्रियों से, तो कोई गुड़गांव जाना चाह रहा है, कोई पानीपत, कोई यूपी जाना चाह रहा है, और जो हमारा कंप्लेनेंट है वो बिहार से आया, वो 20 साल का लड़का है, जामताड़ा से पढ़ता है, स्टूडेंट है, उसको रोहिणी जाना था। तो सबको बेला फुसला के, हाँ छोड़ देंगे छोड़ देंगे, सबको चढ़ा लिया, सबसे किराए के पैसे भी अनाप शनाप ले लिए। उसके बाद बस में बदतमीजी पे उतर गए और लूटपाट की, और फिर उनको 2-3 लड़कों को तो रास्ते में उतार दिया। पर जब ये लोग शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के पास में आए, तो वहाँ हमारी एक पुलिस टीम घूम रही थी, उसको देख के उन्होंने शोर मचाया। पुलिस टीम तुरंत चलती बस पे चढ़ी है और जाके इनको काबू किया। फिर सबसे बात किया तो पता लगा कि उनसे इन्होंने मार पिटाई भी की और लूटपाट भी की, और उनको अगवा करके आके लेके जा रहे थे, पता नहीं कहाँ छोड़ते उन्हें। टोटल कितने लोगों को अरेस्ट किया है इसमें? 4 लोगों का अरेस्ट किया, एक ड्राइवर है और 3 उसके साथी थे। इसमें जो विक्टिम थे कितने लोग थे इसमें? विक्टिम 16-17 के आसपास शुरू में थे, तो उसमें 3-4 को इन्होंने मारपीट के उतार दिया था रस्ते में। अभी जो मिले 1 दर्जन के आसपास है। मामला दर्ज हो गया? मामला दर्ज हो गया किडनैपिंग का और रॉबरी का।